हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल जिले की कई विकास योजनाओं को शुरू किया। इसके साथ ही सालों बाद एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शुरू किया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 2014 हल्दूचौड़ में कांग्रेस के शासनकाल में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो 2022 में बनकर तैयार होने के बाद भी शासन प्रशासन की लापरवाही के वजह से शुरू नहीं हुआ था। अंततः एक दशक बाद समाज सेवी गोविंद बल्लभ भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अस्पताल खोले जाने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अन्य योजनाओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दूचौड़ का लोकार्पण किया, जिसका उद्घाटन सोमवार को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अभी यहाँ पर ओपीडी की सुविधा आज से शुरू कर दी गई है, क्योंकि लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका पूर्व में कर दिया गया था, तो आज इसका शुभारंभ डॉक्टरों के ज्वाइन करने के बाद आज इसका शुभारंभ किया गया है। और इस क्षेत्र के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत ही ये कारगर ये सेवा होगी, क्योंकि हमारे पास इस 40 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी इमरजेंसी की और 24 आवर्स की सुविधा नहीं थी। ये सुविधा यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। अभी जिन डॉक्टरों की कमी रह गई है या अन्य उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, अन्य जो उपकरण है, उनको भी जल्दी से जल्दी लाकर यहाँ पर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। तो इस एक्सरे अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है अभी फिलहाल, तो ओपीडी चलेगी, इमरजेंसी चलेगी और लैब की सुविधा है, संदर्भ वाले जो है यात्री वो करेंगे और यही है। फिलहाल 5 लोग हैं, 5 डॉक्टर्स हैं, 5 स्टाफ नर्सेस हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं और बाकी वार्ड आया है, स्वच्छता है, फिलहाल इतने ही है। सरकार से निवेदन है कि आपने हाईकोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, इतने डॉक्टर देंगे, इतने ये चीज़ें देंगे, उसको आप पूर्ति करें। 8 मार्च तक आपका समय है, अगर 8 मार्च तक आप नहीं करेंगे तो मैं वहाँ फिर चीफ जस्टिस के पास ये यहाँ की समस्या को रखूँगा, जबकि ये 30 बेडों का है। ये एक सामान्य सा ही बच्चों को झुंझुना दिखाया गया है और इसको नियमित कीजिए और यहाँ पर स्थायी रूप से नियुक्तियाँ और जनता को अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले। ये ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों को मिल करके ये बना हुआ है और यहाँ पर कम से कम 50 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।